तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का एक मैच जो कि ओडीआई होगा, इंटरनेशनल ओडीआई। उस मैच के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई और पहला ओडीआई इंडिया ने जीत कर 12 रन से, और सेकंड ओडीआई खेलेगा। यहाँ पे अभी मैच नहीं दिखा रहा आपको, मैं यहाँ पर दिखा दूँगा सी मोर करके। यहाँ पर देख लो गाइस, मैच दिख रहा है आपको 21 जनवरी यानी आज सैटरडे को मैच खेलेगा। 1:30 को न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया के बीच में मैच खेला जाएगा। और यहाँ में इस मैच में आपको फ्री एंट्री मिलेगा। अभी कोई फ्री एंट्री जो ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, तब तक यहाँ पे हेड टू हेड लीग है। हेड टू हेड लीग आप ज्वाइन करके आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। काफ़ी लोग कॉम्पिटिशन है आप यहाँ पे, और क्या यहाँ पे फ्री एंट्री मिलेगा आपको, और 100% बोनस भी मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन करके आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देख लेते दोनों टीम का उस प्लेयर के स्टैट्स। प्लेयर के स्टैट्स देखने के बाद दोनों टीम का पिछले मैच का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। चलो गाइस, पहले देखते हैं कुछ दोनों का प्लेयर के स्टैट्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। चलो थोड़ा प्लेयर स्टैट, पहले प्लेयर स्टैट देख लेते हैं। प्लेयर के थोड़ा रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है पहले उसके ऊपर थोड़ा नज़र रख लेते हैं। तो पहले आते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गुसन का। पिछले मैच इन्होंने 3 विकेट ले गए थे, 1 मिनर भी किया था। प्लेयर बहुत बड़ा है फर्गुसन, तेज गेंदबाज है, विकेट टेकर बहुत है। उससे पहले मैच 0 विकेट, उससे पहले मैच 2 विकेट, उससे पहले 0-3 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। अच्छा खासा विकेट लेके आता है, तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हो, ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये अच्छा पिक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टीम साउथी। इन्होंने पिछले मैच 3 विकेट ले गए थे, उससे पहले मैच 2 विकेट, उससे पहले फिर से 3 विकेट। प्लेयर बहुत बढ़िया है, अभी इंडिया के खिलाफ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके आता है हर मैच में, तो ज़रूर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो। विकेट टेकर बहुत है, इस मैच में विकेट लेके आ सकता है 1 या 2 विकेट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डियोन कॉनवे। पिछले मैच में उन्होंने 24 रन बना के आउट हुए थे, उससे पहले मैच T20 59 रन बनाए थे वही इंडिया के खिलाफ। तो ये भी अच्छा पारी खेल के आ सकता है, बैटिंग अच्छा करके आ सकता है, और विकेट कीपिंग करेगा तो आई थिंक विकेट कीपिंग नहीं करेगा, टॉम लैथम विकेट कीपिंग करेगा, तो बैटिंग अच्छा करके आता है और ओपनिंग बैट्समैन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे माइकल ब्रैसवेल खेल सकते हैं इस मैच में, खेलेगा तो इनको जरूर पिक करना क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट लेके आते हुए भी। जेम्स निशम पिछले मैच में सिर्फ 0 रन पर आउट हुए थे और बॉलिंग थे, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे केन विलियमसन। पिछले मैच 94 रन नॉट आउट पारी के गए थे, यही मैच जीता रहे थे, ये प्लस टॉम लैथम दोनों ने मैच जीता दिया था न्यूजीलैंड को। तो केन विलियमसन लगातार 5 मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे, 1 मैच 61-46, 61-40 ऐसा इनका रिकॉर्ड है लास्ट 4 मैच में। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा के आ रहे हैं, तो इस मैच में एक अच्छा पारी खेल के जा सकता है या सेंचुरी बना के जा सकता है। तो देख लो, रिस्क है इनको भी आज इस मैच में कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में भी स्मॉल लीग में दोनों में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मिशेल सैंडर का। देख लो पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी आई थिंक, तो मिस सैंडर का बैटिंग नहीं आई थी और बॉलिंग आई थी, तो बॉलिंग से भी विकेट नहीं लेके आए थे लास्ट 3 मैच में, विकेट ही नहीं ले रहे, तो इस मैच में ज़रूर विकेट लेके आ सकते हैं, तो जरूर उनको ट्राई कर सकते हो। फिन एलन ये भी प्लेयर बहुत बड़ा हार्ड हिटर बैट्समैन है, पिछले मैच 22 रन बना के आउट हुए थे, उससे पहले 3 रन 0 रन 4 रन 32 ऐसा रन का रिकॉर्ड है। लगातार लास्ट 3 मैच फ्लॉप ही रहे, तो देखो ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी। ग्लेन फिलिप्स इनका भी बैटिंग नहीं आई थी, पर उससे पहले T20 में 54 रन बना के आए थे, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं और बॉलिंग भी कभी कभार बॉलिंग भी करके आ सकते हैं। ईश चौधरी का देख लो यहाँ पे, ईश चौधरी का पिछले मैच 0 रन पर आउट हुए थे पर 1 विकेट लेके आए थे, उससे पहले 1 विकेट, तो 1 विकेट लेके आए थे ये भी, उनको भी ट्राई कर सकते हो। एडम मिल एक मस्ट पिक रहेगा क्योंकि पिछले मैच में सिर्फ 1 विकेट लेके आया था, पर जयपुर में बॉलिंग करने आ सकता है, वहाँ पर भी आपको विकेट लेके जा सकता है, तो उनको भी भूल मत जाइए, जरूर पिक कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लास्ट आते हैं यहाँ पे ड्रेस मिचल और मिस सैंडर, उन दोनों के रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे। तो ड्रेस मिचल भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं, पिछले मैच 9 रन बना के विकेट भी लेकर 2 विकेट, और उससे पहले 31 रन, उससे पहले 5 रन 36 रन, अच्छे पिक है अभी, अभी ग्रैंड लीग में अच्छे विकेट लेके आ सकते, तो इसकी वजह से इनको भी पिक करना। ग्रैंड लीग में रिस्क लेके आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा खासा आपको अमाउंट विन करके दे सकता है। काफ़ी बड़ा है इनका रिकॉर्ड भी और काफ़ी बड़ा मैच भी खेल के आ रहे हैं लास्ट 2-3 मैच में, उनका अच्छा परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों से। नेक्स्ट आता है अभी ब्लेयर टिंग ने, जो कि पिछले मैच में सिर्फ 1 रन बनाया था, उससे पहले बैटिंग नहीं आई थी, उससे पहले 2 रन,
और बॉल में पिछले मैच में तीनों मैच में एक एक विकेट ले गया था, उससे पहले दो मैच में तीन तीन विकेट। प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बहुत है, हर मैच ये भी विकेट लेके आ रहा, तो इसकी वजह से इनको भी पिक करना, ये भी एक अच्छे पिक बन सकते हैं प्लेयर लिख करें। और यहाँ पे नया प्लेयर आड हुआ डग बासवर, ये भी एक अच्छे बासवर है, देखो इनको भी पिक करना, इनको भी पिक कर सकते हो। इनका नाम है डॉग ब्रसल, ये भी एक अच्छे पिक बन सकते हैं ग्रैनी में, इनको भी जरूर ट्राई करना, ये भी हर मैच विकेट लेके आ रहे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंडिया के कुछ प्लेयर, कह दो प्लेयर के रिकॉर्ड, कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत खेले थे पर बुरी तरह फॉर्म है इनका। लास्ट पाँच मैच में देख लो सिर्फ 15, 11, 6, 6, 3 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। अच्छा पारी खेल के नहीं जा रहे टॉम लेथम के जैसे, पर देख लो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो। सब लोग इनको ये करें तो जरूर ग्रैंड लीग में कुछ ना कुछ कर सकता है। दीपक हुड्डा पिछले मैच से 9 रन बना के नॉट आउट पारी किए थे पर विकेट नहीं लेके थे, सिर्फ एक और क्या था टी ट्वेंटी में 4 विकेट ले गए थे वही न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इस मैच में बॉलिंग करके ज़्यादा बॉलिंग करने दिया तो विकेट लेके आ सकती है। हर्षल पटेल पिछले मैच सिर्फ 1 विकेट ले गए थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट उससे पहले मैच में खेले गए थे, तो एक तो विकेट लेके जाते, आपको एक ही विकेट से संतुष्ट हो गए तो आप उनको पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज, पिछले मैच से 4 विकेट ले गए थे, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 2 विकेट, 3, 3, 3, तो लगातार लास्ट 6 मैच में बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहे मोहम्मद सिराज, तो इस मैच में एक अच्छा पारी खेल के आ सकते हैं, अच्छा विकेट लेके आ सकते हैं, तो उसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा। शुभमन गिल पिछले मैच में उन्होंने 50 रन की पारी खेल गए थे, उससे पहले कर्नाटका पुणे के खिलाफ 21, 26 रन बनाए गए थे। प्लेयर बहुत बड़ा है भी, अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकते हैं, तो देख लो इनको भी पिक कर सकते हो, प्लस ओपनिंग करेगा तो अच्छा खासा आपको रन बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट आते यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, पिछले मैच में विकेट नहीं लेते, ये भी भुवनेश्वर कुमार को आप पिक कर सकते हो ग्रैंड लीग में भी। श्रेयस अय्यर पिछले मैच 80 रन पारी के गए थे, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 13 रन, 40, 15 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, एक टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, इस मैच में भी अच्छा पारी खेल के जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आते यहाँ पे हार्दिक पांड्या खेले नहीं थे पिछले मैच में, तो उनका नहीं देखेंगे। वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में 37 रन की पारी के गए थे, बहुत ही बढ़िया तरफ से मैच फिनिश करके आए थे, और विकेट में बॉलिंग से विकेट नहीं लेके आए थे पर विकेट भी लेके आ सकते इस मैच में। संजू सैमसन टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आते हैं, पिछले मैच 36 रन, उससे पहले 59, 4, 61, 30 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, ये भी टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आते हैं, तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो ऋषभ पंत की जगह। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच फ्लॉप हो गए थे, सिर्फ एक चौका लगा के आउट हो गए थे, उससे पहले 13 रन, 1 रन, 11 रन, 14, 61, तो इस मैच में एक अच्छा पारी खेल के जा सकते हैं, तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड में। उमरान मलिक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए थे, 2 विकेट लेके, उससे पहले 4 विकेट, 0, 1, 1 विकेट लेके आए थे, तो ये प्लेयर बहुत बड़े हैं, तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। युजी छाल इनका देख लो पिछले मैच में विकेट नहीं लेते पिछले मैच में, उससे पहले विकेट नहीं लेते, तो लास्ट 2 मैच विकेट नहीं लेके आए, तो इस मैच में जरूर विकेट लेके आ सकते हैं। अर्जीत सिंह पिछले मैच विकेट नहीं लेते, ये भी उससे पहले 4 विकेट लेके आए थे, उससे पहले 0-0 ऐसा इनका रिकॉर्ड था। ईशान किशन पिछले मैच सिर्फ 10 रन बनाए गए होता था, उससे पहले 36 रन, 102 रन, 12 रन का रिकॉर्ड था, तो इस प्लेयर इस स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे वो देख लेते हैं। तो पहले एडम मिल 2 मैच 24 रन बैट्समैन खेल लिए, डियोन कॉनवे T20 ODI नहीं खेला यहाँ पे, ग्लेन फिलिप्स भी नहीं खेला यहाँ पे, और जिमी ईशम 6 मैच 39 रन, केन एंडरसन 12 मैच 414 रन बनाए गए, 77 इनका हाईएस्ट स्कोर है, और यहाँ पे कोई इंडियन प्लेयर भी उतना अच्छा, इंडिया के प्लेयर भी ज़्यादा खेले नहीं यहाँ पे। श्रेयस अय्यर 1 मैच खेला था, उसमें 3 रन बना के आए थे, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। बॉलिंग में देख लेते बॉलिंग से विकेट कौन कौन लेके आए थे, तो वैसे बॉलिंग में देख लो एडम मिल 2 विकेट लेके आए थे यहाँ में, भुवनेश्वर कुमार 3 मैच 3 विकेट, और यहाँ पे ईश चौधरी 9 मैच 6 विकेट लेके आ रहे, कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, फर्गुसन यहाँ पे विकेट नहीं लिया 2 मैच खेला है, मिस सैंटन 7 मैच 7 विकेट लेके आ रहे, टीम सोफी 10 मैच 14 विकेट लेके आ रहे, और विजय चल ने यहाँ पे विकेट नहीं लिया। तो ये हुआ सब प्लेयर के स्टैट और प्लेयर के कुछ स्टेडियम के परफॉर्मेंस। तो गाइस आप देख लेते कुछ धोनी का प्लेयर के पिछले मैच का थोड़ा स्कोर कार्ड देख लेते क्या होता पिछले मैच में उसका थोड़ा स्कोर कार्ड यहाँ पे देख लेते। तो पहले इंडिया बैटिंग करते हुए यहाँ पे 349 रन बनाए के आए थे 8 विकेट खोकर, उसमें रोहित शर्मा 34 रन बनाए के आया था, शुभमन गिल 208 रन बनाया था, विराट कोहली सिर्फ 8 रन बनाए के आउट हो गया था, ईशान किशन 5 रन बनाया था, सूर्य कुमार 31 रन, हार्दिक पांड्या 28 रन बनाए के आया था,
और वाशिंगटन सुंदर 12 रन और शार्दुल ठाकुर ने 3 रन बना के आउट हुआ था। और बॉलिंग में यहाँ पे ड्रेयर मिचेल 2 विकेट ले गया था, ब्रेसवेल और सैंडर ने, ब्रेसवेल ने विकेट नहीं लिया था यहाँ पे और सैंडर ने 1 विकेट, शिपली 2 विकेट ले गया था, लॉकी फर्गुसन 1 विकेट और ब्लेयर टिंकर ने 1 विकेट ले गया था। वही न्यूजीलैंड ने सिर्फ 337 रन बना के आउट हो गई थी, ऑल आउट हो गया था, 12 रन पर ये मैच जीत ली थी इंडिया ने। उसमें फिर नारन 40 रन बनाया गया था, डिवॉन कॉनवे 10 रन, हेनरी निकोलस 18 रन, ड्रेयर मिचेल 9 रन बना के आउट हुआ था, टॉम लेटन 24 रन बना गया था, ग्लेन फिलिप्स 11 रन, 140 बना गया था ब्रेसवेल ने और सैंटर ने 57, सिप्टी 0, लॉकी फर्गुसन 8 रन बना के आउट हुआ था। बॉलिंग में हार्दिक पांड्या 1 विकेट ले गया था, वाशिंगटन सुंदर विकेट नहीं लिया यहाँ पे, शार्दुल ठाकुर 2 विकेट लिया था, कुलदीप यादव 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 4 विकेट लिया था और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट ले गया था। तो ये होगा कुछ धोनी को पिछले मैच का स्कोर कार्ड। चलो सर टीम देखते हैं, मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका हूँ तो मैं थोड़ा उसको एडिट करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी, तो इस टाइम पहले यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। यहाँ पर पहले लूँगा मैं रोहित शर्मा को, कैप्टन है, ओपनिंग करता है, पिछले मैच में 34 रन बना गया था और उससे पहले श्रीलंका क्लब ओडीआई में 42 रन और उससे पहले मैच में 17 रन और उससे पहले मैच में उन्होंने 83 रन बना गया था। प्लेयर अच्छा है, हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है और मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं पहले रोहित शर्मा के साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पर लूँगा डिवॉन कॉनवे, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था, पर प्लेयर अच्छा है, पिछले मैच सिर्फ 10 रन, उससे पहले 52 रन बनाया गया था पाकिस्तान के क्लब, उससे पहले 101 रन और उससे पहले फर्स्ट मैच में फ्लॉप हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे में फर्स्ट मैच में फ्लॉप हुआ था और सेकंड मैच में अच्छा रन बनाया गया था। और मुझे लग रहा है इस मैच में फर्स्ट मैच में फ्लॉप हुआ है और मुझे लग रहा है सेकंड मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पर लूँगा मैं विराट कोहली को, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच इन्होंने भी फ्लॉप होते सिर्फ 8 रन बना के आउट हो गया था, पर उससे पहले 166 रन बनाए गए थे, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 113 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, फॉर्म में आ रहा है लास्ट 2-3 मैच से, तो मुझे लग रहा है इस मैच में बेहतरीन पारी खेल के आ सकते, तो इसके वजह से मैं विराट कोहली के साथ जाऊँगा। अभी कह रहे हैं हमें 3 बैट्समैन बनाएंगे, विकेट विकेट में अभी लूँगा मैं टॉम लेटन को, जो कि कैप्टन है, थोड़ा नीचे बैटिंग करना था पर प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में 24 रन बनाया गया था और 1 कैच पड़ा था, उससे पहले 16 रन, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 42 रन। प्लेयर अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है और एक ग्रैंड लीग रिस्क बोल सकता हूँ मैं इस मैच में, एक बहुत बढ़िया रिस्क लिया मैं, आपकी मर्जी, आप रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पे, फिर नारायण ईशान किशन दोनों में से किसी को आप ले सकते हो। ऑलराउंडर पे 3 ऑर्डर के साथ जाऊँगा मैं, पहले मिचेल ब्रेसवेल जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा खेलता है, एक ऑलराउंडर है, पिछले मैच में बॉलिंग से विकेट नहीं ले गया था पर 140 रन बनाया गया था, उससे पहले 7 रन, 1 विकेट, उससे पहले 8 रन, 1 विकेट, 43 रन, 2 विकेट, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है और विकेट भी लेकर आता है हर मैच में, मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकता है, तो इसकी वजह से मैं ब्रेसवेल के साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पर लूँगा मैं मिचेल सैंडर को, जो कि बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है और बैटिंग भी अच्छा खासा करके आता है, पिछले मैच में 57 रन बना के 1 विकेट ले गया था, उससे पहले 15 रन, उससे पहले 37 रन, 1 विकेट और उससे पहले 21 रन। प्लेयर अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, ऑलराउंडर है, तो पॉइंट ज़्यादा आते तो इसकी वजह से मैं ऑलराउंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा और इसको मैं टीम में लूँगा। और लास्ट टाइप में मेरा ऑलराउंडर रहेगा हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, पिछले मैच में 28 रन बना के 1 विकेट ले गया था, उससे पहले 36 रन, उससे पहले 14 रन, 1 विकेट, उससे पहले 4 रन, 2 विकेट ले गया था, विकेट टेकर बॉल है और बैटिंग भी अच्छा खासा करके आता है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, तो इसकी वजह से मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाऊँगा। बॉलर पे यहाँ पे 4 बॉलर के साथ जाऊँगा, पहले यहाँ पर लूँगा मोहम्मद सिराज को, जो कि बहुत बड़ा फॉर्म है, पिछले मैच 4 विकेट, 2 मिनट रन, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 3 विकेट लिया था, उससे पहले भी 2 विकेट, तो हर मैच में विकेट लेके आ रहा है, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी विकेट लेके आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में 1 या 2 विकेट लेके आ सकते हैं, तो उसकी वजह से मैं मोहम्मद सिराज के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पर लूँगा मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद शमी को, ये भी अच्छा बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट लिखा था, 1 मिनट रन, उससे पहले 2 विकेट, 2 मिनट रन, उससे पहले 1 मैच फ्लॉप हुए थे, 2 मैच, 1 मैच विकेट लेके आता, विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच विकेट लेके आता और मुझे लग रहा है इस मैच विकेट लेके आ सकता है। और न्यूजीलैंड के बॉलर में फिर लॉकी फर्गुसन के साथ जाऊँगा, पिछले मैच 1 विकेट लिखा था, उससे पहले 2 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पहले भी 1 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं रहता 1 मैच में, प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बॉलर है और मुझे लग रहा है इस मैच में 1 या 2 विकेट लेके आ सकती है। और मेरा लास्ट यहाँ पर बॉलर रहेगा ब्लेयर टिंकर, ये भी अच्छे बॉलर है, यंग बॉलर, पिछले मैच विकेट ले गया था 1 विकेट, उससे पहले भी 1 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं लेता, उससे पहले 2 विकेट, विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच विकेट लेके आ रहा और इस मैच में विकेट लेके आ सकता है। तो वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करता है, मेरा कैप्टन रहेगा माइकल ब्रेसवेल को, मैं कैप्टन बनाऊंगा और मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाऊंगा विराट कोहली को, जो कि एक रिस्की वाइस कैप्टन हो सकता है और कैप्टन अच्छा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा खेलता है,
ज़्यादा बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करके आया पिछले मैच में, और बॉलिंग भी इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, तो उसके वजह से मैं कैप्टन बनाऊंगा। तो गाइस ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी, और यहाँ पर फ्री ऐड होने के बाद ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।